बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज हम लोग जा रहे हैं सैटरडे के दिन पे घूमने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। सो इस तरीके से कोमल लोगों ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया, आप लोग देख पा रहे हैं। सो इस तरीके से मैं जा रही हूँ जंगल सामान वामान लेके, छाता वाता पकड़ के। तो अभी ये पुल जो दिख रहा है मोबाइल पे, यहीं पे हम लोग जा रहे हैं बागलकोट का बेस्ट व्यू देखने के लिए। सो आप लोग भी देखिएगा कैसा लगेगा, कमेंट करके बताइएगा को, जो जो गए हैं जरूर भी बताइएगा। अभी हम लोग पार कर रहे हैं जोरेंत रिवर। सो बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ पे जोरेंत रिवर, आप लोग देख पाएंगे। सो जोरेंत नदी में हम लोग दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए, पानी को खेलते हुए, एकदम मज़े लेते हुए जा रहे हैं अभी हम लोग घूमने के लिए। सो आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से मज़ा ले रहे हैं हम लोग। अमेज़न के जंगल में आ रहे हैं, मेरे पीछे मेरा पूरा गैंग है इस्मान का, और यहाँ पे मैं हूँ, इस्मान है, नंदिनी है, पीछे में भी लास्ट में है कोमल। अय्या आज एकदम और नंदिनी का फेवरेट भी खुद हो सोना और डर लगे हम हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट ब्रिज के पास, एंड यहाँ पे एकदम आप लोग देख पाएंगे हरा भरा जंगल, इन जंगलों को चीरते हुए रोड निकला है, एंड यहीं पे हम लोग मजा लेते हुए आगे बढ़ेंगे, आप लोग देख पाएंगे। सब लोग घूमने के लिए आना, और लड़की लोग घर जमे यहीं पे लाना। क्या था गाना? सो ये रोड का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रहा है, एंड लोग इसी तरह से घूमने आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये रोड एकदम अच्छा दिखता है, आजकल नया बना है बागलकोट में।
जितना ऊंचा ऊंचा चढ़ेंगे उतना ही हम लोग का बागरापुर बहुत ही सुंदर 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 दिखते हुए जाएंगे। एंड लोगों का घर, स्कूल, मंदिर सब ये सब हम लोग देख पाएंगे। ऊपर से छोटा छोटा बागरापुर एकदम दिखता है। एंड बहुत ही अमेजिंग यहाँ का नदी, यहाँ का घर, यहाँ का जंगल एकदम बहुत ही सुंदर दिखता है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आके। चलते चलते रास्तों पे इस तरीके से पहाड़ों का पानी भी मिल जाएगा एंड जो कि बहुत ही ठंडा रहता है। एंड इस तरीके से हम हाथ में धो सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं। एंड ये पानी बहुत ही नेचर का ठंडा ठंडा रहता है। चलते चलते हम लोग थोड़ा थक चुके थे एंड पहुँचते पहुँचते हम लोग वहाँ एक जगह पे रुक के थोड़ा रेस्ट करने लगे, पानी वानी पीने लगे, जूस वूस लेने लगे, इस तरीके से बैठ के एकदम गफ करने लग गए। एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल चुके अपने डेस्टिनेशन पे। चलते चलते हम लोग बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच चुके थे एंड यहां से बागरकोट का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एंड यहां से फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग आता है, अमेजिंग शॉट मिलता है, व्यू मिलता है। एंड बागरकोट एंड नदी यहां से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो यहां से हम लोग का बागरकोट दिखते एकदम बड़ा, कोमल का घर भी है, मेरा घर भी है। सो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उन लोग के रहने के लिए यहाँ पे घर बनाए हैं एंड यहाँ पे वो लोग रहते हैं, काम करते हैं। और ये वही ब्रिज है जो बागरकोट नीचे से हम लोग ऊपर पहाड़ पे दिखते हैं, जो गोल गोल घूम के गया है। सो यहाँ पे आने का मेरा मन बहुत ही किया था एंड फाइनली आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी एंड ये देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझको। एंड यहाँ से नीचे बागरकोट का व्यू अमेजिंग एंड वाव बहुत ही अच्छा दिखता है। फाइनली गाइज हम लोग एकदम ऊपर तक पहुंच के पूरा व्यू देख के फोटो वोटो लेके हम लोग घर आने के लिए घूम रहे थे। एंड रास्ते में इस तरीके से हम लोग एक जगह पे रुके एंड जो भी हमने खाना वाना लिया था उसको खाने के लिए एक जगह पे रुक गए। एंड आज के लिए इतना ही गाइज, फिर शाम को मेरा न्यू एक्साइटिंग वीडियो में
तब तक के लिए खुश रहिएगा चैनल पे, नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नितीश एडवेंचर क्रेजी गर्ल्स ब्लॉग में। एंड एक बार जरूर बागड़ापुर विजिट कीजिएगा, इस तरीके से बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा व्यू शॉट मिलता है यहाँ पे, आप लोग फोटो भी बहुत से अच्छे ले पाएंगे। एंड इस तरीके से दूर जाना नहीं पड़ेगा आपको, बागलकोट में ही मिलेगा इस तरीके से आप लोगों को, एकदम अच्छा जगह है, आइए घूमिएगा। फिर चाहूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, खुश रहिएगा, थैंक यू गाइज़।